डॉक्यूमेंट्री के मामले में बचाव पक्ष के दो वकीलों को बार काउंसिल ने नोटिस भेज दिया है। वकील एपी सिंह और एमएल शर्मा पर महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। बार काउंसिल ने दोनों वकीलों को नोटिस देकर पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। दोनों वकीलों को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने निर्भया पर बनी डॉक्यूमेंट्री से बैन हटाने की अपील कर दी है। गिल्ड ने लॉ एंड ऑर्डर को और न्याय के हित को लेकर सरकारी तर्क को खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो बचाव पक्ष के दो वकील हैं उन्हें बार काउंसिल ने नोटिस भेजा है। महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देने का उन पर आरोप लगा है इस डॉक्यूमेंट्री में। वहीं आरोपी वकील एमएल शर्मा का कहना है कि उन्हें अब तक नोटिस नहीं मिला है। देखिए, नोटिस अभी तो हमारे पास में आया नहीं है। हमने कोई भी मिसकंडक्ट नहीं किया। हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कोर्ट से रिलेटेड होता है, हमारे क्लाइंट से रिलेटेड है, हमारे लॉ से रिलेटेड है। ना तो हमने कोर्ट को गाली दी है और न ही कोर्ट की अपमाना की है। लेकिन हाँ, जो लोग कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री में मिस्टर शर्मा का स्टेटमेंट है, निश्चित रूप से उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को देखा है, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को डाउनलोड किया है, खुद देखा है, लोगों को दिखाया है, लोगों को बताया है। जब ये डॉक्यूमेंट्री इंडिया में रिलीज नहीं हुई, जब इस इंडिया में रिलीज करने के लिए परमिशन ही नहीं है, कोर्ट ने मना किया हुआ है, तो आज इसके कंटेंट को कैसे देखा जा रहा है, कैसे दिखाया जा रहा है, कैसे उसके ऊपर बोला जा रहा है, हम इसके ऊपर एक्शन लेने जा रहे हैं। संवाददाता आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एमएल शर्मा बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट ही नहीं हुई है देश में तो लोगों ने कैसे देखा कि मैंने क्या कहा। लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं, बड़ा सवाल ये है कि वो अपनी बचाव में कह रहे हैं कि मैंने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तो बात ही नहीं हो रही है, महिलाओं पर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए हैं और ये बात है। क्या इस मामले में उन पर कार्रवाई होगी? नोटिस तो भेज दिया गया है, बार काउंसिल ने क्या तय किया है, क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो संस्था है जो वकीलों को लाइसेंस देती है। अगर किसी वकील को प्रैक्टिस करनी होती है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ना केवल रजिस्ट्रेशन देख कराती है बल्कि उस वकील के व्यवहार पे नजर भी रखती है। चूंकि एमएस शर्मा और एपी सिंह का जो बयान है वो महिला विरोधी बयान है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन्हें सो कॉल नोटिस इशू किया है, 3 हफ्तों के भीतर जवाब देना है। चूंकि पूरी एक मीटिंग बैठी है और उसके बाद इस मामले को गंभीर मानते हुए इनको नोटिस जारी किया है। 3 हफ्ते बाद इनका जो जवाब आएगा उस पर यह तय होगा कि क्या इनका बार का जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड किया जाए अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता है, या फिर इनके बार को लाइसेंस को ही रद्द कर दिया जाए। लेकिन तानिया, एक सवाल मैं यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे भी उठाना चाहूंगा, क्योंकि जब जजमेंट आया था निचली अदालत साकेत कोर्ट में सितंबर 2011 में, तब भी एपी सिंह ने खुलेआम तौर पे मीडिया को बाइट देते हुए यही बातें कही जो उन्होंने बीबीसी को कही है। उस समय आखिर बीसीआई कहां था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहां था? अब देखना यही होगा कि इनके जवाब में क्या आता है और क्या वो जवाब बीसीआई को संतोषजनक होता है बीसीआई के लिए या फिर नहीं। बिल्कुल आशीष, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 हफ्ते का समय है एमएल शर्मा और दूसरे वकील के पास, यानी कि बचाव पक्ष के दोनों वकीलों के पास, इस नोटिस का जवाब देने के लिए। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक से वापस